ज्ञान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के एडवोकेट रवि प्रकाश जाधव का चर्चगेट में मनपा के खिलाफ चाबुक प्रदर्शन। मुंबई चर्चगेट से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। आज मेरे चैनल के दर्शकों के साथ रवि प्रकाश यादव जी हैं और असलम खान भी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज का आंदोलन किस तरह से था और आप किस रूप में देख रहे हैं। और पहली बात कि वर्षाताई गायकवाड़ जब से अध्यक्ष हुई हैं और एडवोकेट रवि प्रकाश यादव जी जब से लीगल सेल के जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, रोज नित्य नया कार्यक्रम चलता रहता है। तो मैं असलम भाई से जानना चाहता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारी वर्षाताई गायकवाड़ का धन्यवाद करूंगा। कल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली और जो पाप पत्र इस फोके सरकार का जो पाप पत्र जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो दो साल में भ्रष्टाचार इस खोखे सरकार ने किया, जिन्होंने आमदारों को खरीद कर अपनी सरकार बनाई, ये जो एक काला दिवस हम दो साल पहले इन्होंने किया था उसके खिलाफ, और जो बीएमसी आज उनके कंट्रोल में है, 50,000 करोड़ का बजट बीएमसी का, उसके बाद भी आप रोड की हालात देखो तो ये जो ब्लैक लिस्टेड कॉर्पोरेटर्स, ब्लैक लिस्टेड जो जितने कॉन्ट्रैक्टर है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, रोड का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इसमें ये अपना कमीशन खोरी करते हैं। 30% कमीशन खोरी की सरकार है ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में 30% फोके सरकार है, 30% इनका परसेंटेज है। तो ये और ऊपर से आज रोड के हालात देखो, दो दिन पहले मैं खुद यही रोड से आ रहा था, एक गड्ढे में मैं खुद गया, मेरा छह शोल्डर डिसलोकेट हुआ है। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट चालू है, मेरा फुट दिखाइए किधर है शोल्डर का। मैं आपको फोटो दिखा, ठीक है, मेरा खुद का शोल्डर डिसलोकेट है। दो दिन पहले मैं यहाँ पे गिरा हूँ इस खड्डे में। इसके लिए हमने एक आंदोलन किया कि ये जरूरी है कि अगर मैं गिरा हूँ और भी बच्चे गिरते, बच्चे यहाँ से सुबह स्कूल के बच्चे लोग बाइक पे आते उनके लिए थोड़ी तकलीफ है। मैं वर्षाताई गायकवाड़ का बहुत आभार मानता हूँ और हमारे एडवोकेट रवि प्रकाश यादव जी हैं जिन्होंने एक महीने से बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं लीगल सेल के। ये मुंबई चाहे वर्षा हो, आधी हो, तूफान हो, लेकिन एडवोकेट रवि प्रकाश यादव जी का कोई न कोई सामाजिक हित में कार्यक्रम इनका अनवरत जारी है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, पिछले एक डेढ़ महीने से रवि यादव जी का खुलाबाद क्षेत्र में कार्यक्रम हमारे चल ही रहे हैं। हमने शुरुआत की थी छतरी वाटप से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, इस कुलाबा तालुका में हमने एक कार्यक्रम कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल में किया जहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी आए। हमने दूसरा कार्यक्रम गिरगांव में किया, वहां पर हमारी माननीय मुंबई के अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ आई और दोनों ने बहुत सराहनीय बोला कि आप लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं और हम एडवोकेट रवि यादव के थ्रू हर एक सामाजिक छोटे छोटे काम कर रहे हैं। हम हर इलाके में जा रहे हैं जहां जहां यहाँ के आमदारों ने काम, यहाँ के जो लोकल आमदार ने काम नहीं किया है, ऐसा है कि
हमारे आमदार यहाँ के स्पीकर भी है, पर ऐसा है कि जो संवैधानिक पद पर बैठ कर आज वो गटर लाइन का जो ड्रेनेज का काम है ना वो भी नहीं कर पा रहे, तो अगर वो इतने बड़े पद पर होकर अगर इतना काम भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से उनको अगले टाइम पे इस्तीफा देके चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए और हम हमारा काम जारी रखेंगे। रवि प्रकाश यादव जी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर खुला बता दूंगा मैं, हम लोग माध्यम से हम जनता का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस कह रही है कि इस समय की वर्तमान महानगर पालिका है ये भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार के खोखे सरकार है और ये परसेंटेज सरकार। नमस्कार, आपको पता होगा कर्नाटका में 40% परसेंटेज चलता था, यहाँ पे 30% परसेंटेज चलता है। कॉन्ट्रेक्टर 30% देगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बिल्डर लॉबी के पास से 30% जाएगा तो उसको, ये 30% का सरकार है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा ये भ्रष्टाचार से लिप्त जो सरकार है ये तुरंत बर्खास्त हो।